विल डिस्कस हाउ टू फ्लाई अ काइट। आज मैं आपको बताऊंगा कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। लोकेश फोड़ी एंड मस्ती में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये पतंग है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको उड़ाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें तड़ावे डालनी पड़ती हैं। ये पतंग ऐसे नहीं उड़ेगा, कोई लोग यहाँ तड़ावे डाल सकते हैं, कुछ लोग यहाँ डालेंगे। इसका सबसे असली तरीका है इसमें तलामा डालने का, जो ये डंडी आपको दिखाई दे रही है बीच में, इसकी एक साइड में गली कीजिए, सुराख कीजिए और इसके और क्या करना है, हमें इसको नीचे ले जाइए। ये देखिए नीचे, ये आपको जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी के ऊपर लगा लो, चाहे इसके साथ में डालो, ये आपके लिए। अब आपने ये देखिए ये डाल, ठीक है। तो ये देखिए आपको दो बोलो। अब इसमें हमने तलामे डाल दिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा तलामे कैसे डालते हैं। बंद कर दे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, अब तलामा डालने के लिए आपने पहले डोर ले लेनी है। ये देखिए, ये मैंने डोर ली है, जैसे हमारे गुट वगैरह होता है, उसमें से निकाल के इसको डबल कर लीजिए। जितना बड़ा पतंग होगा उतना ज़्यादा ये तलामे आपको झेल लेंगी, इसलिए इसको डबल करते हैं। ये देखिए, अब इसको ऐसे डबल करने के बाद हमने इस जो ऊपर वाले सुराख है पहले यहाँ पे डाल ली, इधर से डाल के इधर से हमने निकाल लेनी। तो देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये निकालने के बाद अब आप ऊपर वाली जो है यहाँ पे दो बार ये फर्स्ट गांठ हो गई, ये सेकंड गांठ हो गई। ये देख लिया, आप देख लीजिए, ये देखिए ये गांठ बढ़ गई। तो ये देखिए, ये बांधी गई हमारी तलाम। अब हम इसको नीचे वाली तलाम में गांठे डालेंगे। ये देखिए, अब जो नीचे वाला सुराख है इसको लीजिए, इसमें ऐसे डाल दीजिए, अब फिर इसको ऐसे निकाल के ऐसे डाल दीजिए। तो अब यहाँ पे भी हमने दो गांठे लगा दी, जैसे ऊपर लगाई थी एक गांठ, तो ये देखिए सेकंड गांठ। अब इसका सबसे मेन पॉइंट होता है, जैसे ये हमने डोर किया, इसको हमने मापना होता है। तो मैं आपको ये प्रॉपर दिखाऊंगा। ये देखिए, जैसे कि ये हमने डाल लिया, तो ये दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। इसको पहले ऐसे मापिए, ये देखिए यहाँ तक ले आइए। अब इसमें एक उंगल का फर्क लग रहा है नीचे वाले के साथ, ऐसे ही ऊपर लेके आइए। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक इंच का फर्क लगेगा। तो इसके ऊपर हमने गांठ लगा देनी है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ पे गांठ लगा दो। ये देखिए, और अब देखो, अब इसको मापिए एक बार दोबारा। ये देखो, अब यहाँ पे हमने कैसे मापना कैसे है, इसमें हम जैसे के लगाएंगे, थोड़ा बड़ा पतंग है, मैं आप इसलिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको हमने जैसे लगाया है, तो इसको मापिए, इसके जैसे देखिए यहाँ पे दो आ रही हैं, और ऊपर वाले को फिर चेक कीजिए यहाँ पे कितनी आ रही हैं, यहाँ पर भी दो आ रही हैं। ये देखिए, अब ये दोनों बराबर होंगी तो पतंग आपका ठीक होगा। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से डाल ली। अब नीचे वाली ज़्यादा कम लग रही है, ये ऊपर वाली ज़्यादा, तो नीचे वाली पे हम गांठ डाल दें। इसको एक छोटी सी गांठ और लगा दो ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये देखिए, अब ये ऐसे लग गया, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब ये तलामे हमारी अच्छी तरह से टल गई हैं। तो अब ये हमारा पतंग उड़ने के लिए तैयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको उड़ाना कैसे है। ये देखिए, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम धागे के साथ बांधेंगे, फिर इसको उड़ाएंगे। ऐसे स्टॉप। तो देखिए, जैसे कि हमने ये तलामे डाल ली थी, अब हम इसको बांधने का तरीका भी बताऊंगा। ये देखिए, इसको ऊपरली साइड पर ऐसे बांध दीजिए। ये देखिए, अब इसको ऐसे बांधने का मतलब ये है कि ये जो गांठ है ये नीचे रह जाएंगे तलामे, ये ऊपर आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको उड़ाएंगे। ये देखिए, अब उड़ाने के लिए इसको सीधा बस हमने क्या करना है, इसको ऐसे मारना है। ये देखिए, अगर ये बिल्कुल सही होगा तभी उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। तो ये देखिए, अब आसमान पतंग भी देखना चाहते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल सक्सेसफुल पतंग उड़ चुका है हमारा। अगर इसमें एक और भी आप बताना चाहूँगा, अगर आपका पतंग साइड पे गिर रहा है, जैसे आपका पतंग जो राइट साइड में गिर रहा है, तो हमें यह इसमें कन्नी देनी पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है वो।
ये देखिए ये पतंग अब हमारा उड़ चुका है, जैसे चल रहा है ये देखिए क्या मजा आ रहा है पूरा। अब सारा छोड़ करिए साथ साथ में, ये देख आए हाय हाय हाय। तो देखिए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कैसे पतंग उड़ाना था, मेरा मकसद था आपको उड़ाने के लिए। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पतंग कैसे उड़ता है वो तो आपने देख लिया, तो मैं आपको इसके मेन फीचर्स बताऊंगा जिसमें कि हम पतंग को ठीक कर सकते हैं। कई बार पतंग उड़ता है, पतंग इस तरफ गिरने लग जाता है, पतंग उड़ गया। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कई बार क्या होता है बच्चे या कोई भी ना तड़ा में इस तरफ डाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ सुराख करना है, इस तरफ नहीं बांधना आपने, ये हमेशा साइड इस तरफ होगी, आपकी साइड आएंगी वो इस तरफ लाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था जिस तरफ डक्का है उस तरफ लामे नहीं होंगी। और उसके बाद क्या करना है आपने, अगर आपका पतंग इस तरफ गिर रहा है उड़ता हुआ इस तरफ गिर गया तो आपने इसके उल्ट साइड पे डोर बांधनी है। ये देखिए ये आपको डक्का दिख रहा है, यहाँ पे आप थोड़ी डोर बांधे, थोड़ी सी डालेंगे, जिस जैसे कि कहते हैं ना हम कोई चीज लेने जाते हैं तो बानिया बट्टे डालता है, इधर डालता है तो उधर सब्जी डालता है, वैसे होगा। तो इस तरफ थोड़ी सी डोर बांध दीजिए तो आपका पतंग ऐसे सीधा हो जाएगा, ऊपर जाके टिकने लग जाएगा। और अगर पतंग उल्टा गिर रहा है तो इधर गिर रहा है तो इधर इस तरफ बांध दीजिए, कहने मतलब दोनों दिशाओं में अलग अलग बांधनी है। अगर इधर गिर रहा है तो इधर बांध दीजिए, अगर इधर गिर रहा है तो इधर बांध दीजिए, और डोर आपने दो तीन इकट्ठी करके इस यहाँ पे बांध दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पतंग ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा और टिक जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, कई बार क्या होता है पतंग ऊपर जाके ऐसे 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 करते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब कि उसके नीचे की तरह आपको गाट देनी है। अगर आपका ज़्यादा पतंग ये करा है तो आपकी ये जो आपने तलामें डाली हैं, जो आपने नाप लिया है वो सही नहीं लिया है, तो आप उसको पतंग को उतारिए, उसके नीचे आपने दे देना है, गांठ दे देनी है, उससे कि आपका पतंग ऊपर जाके बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा, टिक जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये मेन फीचर्स हैं पतंग उड़ाने के, सबसे पहले तलामे डालनी है, तलामे हमें अगर आपको पतंग को चेक करना है। और एक और बताता हूँ आपको, अगर आप पतंग देखना चाहते हैं पतंग कैसा है, तो आप जब ऐसे करते हैं तो इसकी ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठी होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, अगर कोई ऊपर नीचा होगा तो ये पतंग टिकेगा नहीं। ये देखिए जैसे ये है, ये दोनों बिल्कुल सही आ रहे हैं आपस में, देखिए इनको बराबर, तो ये पतंग टिकेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पतंग के बारे में बहुत कुछ बताया, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।